हमारे आयुर्वेद के ऋषि मुनियों ने संक्रमण से निपटने के लिए, संक्रमण से निजात पाने के लिए, इसको बाय बाय कहने के लिए एक ऐसी औषधि का निर्माण किया जिसका नाम है महासुदर्शन चूर्ण। इसकी बटी भी आती है, इसका क्वाथ भी आता है, इसका अर्क भी आता है। महासुदर्शन चूर्ण आंवला, हर्रे, बहेड़ा, हल्दी, गारू हल्दी, कटेरी, कचूर, सौंठ, मिर्च, पीपल, पीपला मूल, मूरवा, गिलोय, जवासा, कुटकी, पित्त पापड़ा, नागरमौथा, त्रायमाणा, बनफसा, नेत्रवाला, नीम की छाल, पोखर मूल, मुलेठी, कूड़ा की छाल, अजवाइन, इंदरजो, भारंगी, सहजन के बीज, शुद्ध फिटकरी, बच, दालचीनी, पद्मखार, खस, सफेद चंदन, अतीस, खरेटी, सालपर्णी, प्रश्नपर्णी, बायबिड़ंग, तगर, चित्रक मूल, देवदारू, चब्य, पटोलपत्र, कालमेघ, करंज के बीज का मगज, लौंग, वंशलोचन, कमल, काकोली, तेजपत्र, कालिशपत्र, जावित्री, चिरायता आदि के मिश्रण से यह चूर्ण बनाया जाता है। यह चूर्ण निसंदेह समस्त ज्वरों को यानी बुखारों को नष्ट कर देता है। इसके सेवन से एक दिन में आने वाला बुखार, दो दिन में आने वाला बुखार, बुखार आने से पहले या फिर शरीर को सुन्न कर देने वाला बुखार, सन्निपात ज्वर, मानसिक दोषों से उत्पन्न बुखार, बार बार आने वाला बुखार, प्राकृतिक बुखार, बेकार बुखार, वैकृतिक सूक्ष्म रूप से रहने वाला ज्वर, अंतर्दाह शरीर के बाहर दाह उत्पन्न करने वाला, आक्सी लगाने वाला बुखार, शरीर के बाहर आग लगाने वाला, आक्सी जलन महसूस करने वाला बुखार, आम ज्वर, अनेक देशों के बुखार के विकार के कारण उत्पन्न होने वाले बुखार, दवा अनुकूल न पड़ने से उत्पन्न होने वाला बुखार, यकृत और प्लीहा, यकृत और प्लीहा जनित बुखार, शीत ज्वर, 15 दिन में आने वाला बुखार, महीने भर में आने वाला बुखार, विषम ज्वर, रजोदोष से उत्पन्न ज्वर आदि इसके सेवन से दूर हो जाते हैं। ज्वर नाश करने की इसमें एक ऐसी अद्भुत शक्ति है, इसका वर्णन करते हुए आयुर्वेद में इस प्रकार लिखा गया है, सुदर्शनम यथा चक्रम दानवाना विनाशनम तद ज्वराणाम सर्वेशमिदं चूर्ण विनाशनम। जिस प्रकार सुदर्शन चक्र दैत्यों को नष्ट करता है, उसी प्रकार यह चूर्ण किसी भी प्रकार के ज्वरों को नष्ट कर देता है। यह चूर्ण शीतल, पाचक, कटु, पौष्टिक, बुखार को ख़त्म कर देने वाला, शरीर की गर्मी को ख़त्म कर देने वाला, शरीर के कीड़े नष्ट कर देने वाला, अधिक प्यास लगती हो, कफ अधिक आता हो, कुष्ठ रोग हो, फोड़े हो, भूख नहीं लगती हो, गर्भिणी के ज्वर में भी थोड़ी मात्रा में प्रयोग करने से बहुत लाभ होता है। इससे आमाशय यस्त ज्वरादि दोष अच्छी तरह पच जाता है। पुराने से पुराने विषम ज्वर में जब विषम ज्वर का विष यानी जहर शरीर के अंदर गुप्त रूप से होता है और अपना स्वरूप ज्वर के रूप में प्रकट न कर अजीर्ण, अग्निमांद और हल्की हरारत के रूप में प्रकट करता है, तो उस स्थिति में सुदर्शन चूर्ण बटी के उपयोग से बहुत लाभ होता है। इस चूर्ण में ज्वरनाशक गुण सर्वप्रधान हैं। आमाशय की शिथिलता को दूर करने के लिए यह एक उत्तम औषधि है। इस चूर्ण से दस्त भी साफ होता है। कैसा भी कठिन ज्वर हो, रसरक्तादि धातुगत ज्वरकारक दोष को नष्ट करके बुखार को समूल नष्ट कर देता है तथा धातुओं का शोधन करता है। अन्न प्रणाली के ऊपर यह अपना प्रभाव विशेष रूप से डालता है। मुंह में डालते ही पाक स्थली के रस प्रवाह को उत्तेजित करता है। बृहदंत्र के ऊपर भी अपना प्रभाव दिखाता है। ज्वर को नष्ट करने में यह चूर्ण अतीव उपयोगी होने से अनेक वैद्य इसका क्वाथ, फाट, हिम और अर्क आदि के रूप में प्रयोग करते हैं। आजकल महासुदर्शन चूर्ण की गोलियां भी बाजार में उपलब्ध हैं, जो कि महासुदर्शन घनबटी के नाम से उपलब्ध हैं। अधिक कुनेन सेवन से अंतर्दाह, कानों में गुंजाहट होना या कम सुनना,
दिमाग में शून्यता रहना आदि विकार उत्पन्न होते हैं। इन विकारों में इस चूर्ण का हिम बनाकर सुबह शाम पिलाने से सभी उपद्रव आसानी से शांत हो जाते हैं। संक्षेप में, यह दोष और दृश्यों का शोधन, ज्वर का नाश, रेचक एवं शामक गुण प्रदान तथा अत्यंत गुणकारी औषधि है। महासुदर्शन चूर्ण सुबह शाम एक एक चम्मच गुनगुने पानी से उपयोग करने से किसी भी प्रकार का संक्रमण रोग से बचाव किया जा सकता है। यह अत्यंत लाभकारी है, कृपया एक बार इसका सेवन अवश्य करें। महासुदर्शन चूर्ण, महासुदर्शन घनबटी, महासुदर्शन क्वाथ बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं। कई कंपनियां इसको बना रही हैं, बैद्यनाथ, डाबर, पतंजलि आदि कंपनियां इसको विशेष रूप से बनाती हैं, जो कि आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक मेडिकल एवं ऑनलाइन माध्यम से मंगा सकते हैं। कृपया संक्रमण से बचने के लिए महासुदर्शन घनबटी, महासुदर्शन चूर्ण, महासुदर्शन क्वाथ, महासुदर्शन अर्क का अवश्य प्रयोग करें।